महिलाओं ने यूपी पुलिस से लगाई गुहार, ऑडियो संदेश भेजकर मांगी मदद। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह से काम कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओमान से भी महिलाओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई है यूपी पुलिस से। दरअसल मानव तस्करी का शिकार हुई यूपी की महिलाएं अब ओमान से डीसीपी को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजकर मदद मांग रही हैं। पिछले दिनों मदद के ऐसे मैसेज डीसीपी के पास आए जिनमें पीड़िताओं ने कहा था कि उन्हें बचा लिया जाए वरना वो मर जाएंगी। इन संदेशों के मिलने के बाद क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गई है और ओमान से महिलाओं को घर लाने की कोशिश तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं ने डीसीपी को अपने संदेश में बताया है कि ओमान में उनके साथ किस तरह गंदा व्यवहार किया जाता है और अगर ये सब ज्यादा दिन तक चलता रहा तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगी। महिलाओं की शिकायत के बाद शेख के चंगुल से छुड़ाने के प्रयासों में तेजी कर दी गई है। महिलाएं भारतीय दूतावास के अलावा पुलिस अधिकारियों के भी संपर्क में हैं। गोवा पुलिस के अधिकारियों ने भी महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी की क्राइम ब्रांच ने ओमान में फंसी उन्नाव की एक और पंजाब की दो महिलाओं को एक शेख के चंगुल से छुड़ाया था, मगर उनके बाद उक्त दोनों महिलाओं ने भी डीसीपी के पास मदद के मैसेज भेज दिए। पीड़िताओं ने अपील की है कि जैसे पुलिस ने पहले तीन महिलाओं को मुक्त कराया है वैसे ही उन दोनों को भी छुड़ा लिया जाए। अभी फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि दोनों महिलाओं में से एक पीड़िता भारतीय दूतावास में रह रही है और उसकी कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। अब दूतावास उसके लिए फ्लाइट की टिकट आदि का इंतजाम करने में लगी है। संभव है वो जल्द ही भारत लौट आए। इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच के संपर्क में गोवा के कई अधिकारी भी आ गए हैं जिन्होंने क्राइम ब्रांच से ईमेल आईडी समेत अन्य जानकारी मांगी है ताकि वो अपने यहां की पीड़िता को भी जल्द से जल्द वापस बुला सके। आपको बता दें कि यूपी से आए मानव तस्करी के इन मामलों की जांच में पिछले दिनों दो आरोपी मुजम्मिल और अतीउर रहमान व बंगलुरु से अमीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले की अभी तफ्तीशी चल रही थी कि ये दूसरे मामले भी पुलिस के पास आ गए और गुहार लगाई गई कि उन्हें बचा लिया जाए। देखना होगा कि यूपी पुलिस इन महिलाओं की गुहार पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।